press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार जिनके चैनल का नाम है अग्निपथ विद महेश, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो सिर्फ आज ना शरिया कानून बल्कि जो वक्फ बोर्ड है उसे भी अच्छी तरीके से एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। एंकर को ब्लेम नहीं करूंगी, अभी आपने मुझे बुलाया, अब मैं कोई ऐसी नाज़ेबा बात कर देती तो आप मुझे नहीं रोक पाते। अब भले ही बाद में आप उसको एडिट कर देते, बाद में आप उसको हटा देते, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाते। तो ये स्पीकर के ऊपर होता है कि आपको नॉलेजेबल बात करनी है, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है। अगर आप अगर जो गेस्ट है जिसको आपने बुलाया है वो अगर मुस्लिम है तो उसको अपने कम्युनिटी के रिफॉर्मेशन की बात करनी है, या आग लगाने की बात करनी है, या सुतली बम जलाने की बात करनी है, ये डिपेंड करता है। और देखिए, मुसलमानों के अंदर हमेशा से मिर्ची मसाला लगाने की तो हमेशा से आदत रही है, आज मुसलमान बनी इसराइल को मानने को तैयार नहीं है, पर कुरान के पन्नों में इसराइल है, बनी इसराइल का जिक्र है, यहूदियों का जिक्र से पहले आप देखिए इसराइल, इस्लाम से पहले इसराइल का जिक्र है। आज मुसलमान यहूदियों को गाली देता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? वो तो बाद में उन्होंने कलमा शरीफ किया ना, बीबी खदीजा ने, तो वो यहूदी। पूरे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ और बाप की तारीफ नहीं की है। अरे माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है, पिता जैसा भी हो, पिता तो पिता होता है, पर जिक्र तो माँ बाप का जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए था प्रॉफिट मोहम्मद को, उतने अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं किया है। तो कौन थे? यहूदी थे, माता और पिता दोनों। तो एक्चुअली मुझे तो बताऊं, मुझे तो मालूम नहीं ये बात, मुझे आपसे मालूम है, आपका एक वीडियो देखकर मुझे पता लगा था कि हाँ मतलब नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं एक और रेफरेंस मैं दे देना चाहती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो हमें सूरह मरियम पढ़ने की के लिए मशवरा दिया जाता है कि लेबर पेन में प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत आसानी से बच्चा डिलीवरी होगा, सूरह मरियम पढ़ो। अब जब किसी मुसलमान को बोलिएगा चर्च जाने के लिए तो बोलेगा मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जबकि वहां पर भी मदर मैरी ही है, वही मरियम अलैहि सलाम है, वही मरियम है। बिल्कुल हाँ, उनके डेविड जो है वो अपने यहाँ दाऊद हो जाते हैं। मुसलमान अपंग थे, अपंग है, अपंग रहेंगे, और डिक्टेटरशिप जब तक मुसलमानों के दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक वो तरक्की नहीं कर सकते। आप देखिए, शिया मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, बोरी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, अहमदी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, बरेलवी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहा है 72 फिरके में? मात्र देवबंदी और सुन्नी मुसलमान आज भी, क्योंकि इनकी डिक्टेटरशिप इनके अंदर से जा नहीं रही। एक इससे पहले कि ये बात हम लोग खत्म करें, मैं अब चूंकि राजनीति का भी माहौल चल रहा है, अचानक मेरे दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं, मुझे लगा मैं चलते चलते ये भी निपटा लूं, और चूंकि आप कानून की जानकार हैं तो वो और भी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है इसके बाद में, हम सब जानते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड का किस्सा है ये कुछ होने का है, ये हमारी जान छोड़ेगा आने वाले सालों में? हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहला नेक्स्ट टेन्योर में परिवर्तन क्या करोगे? नहीं नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पाला पोसा और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के वक्त में वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा मजबूत किया गया था और कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट करके इमरजेंसी के वक्त में अकेले अकेले उन्होंने वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुकाम दे दिया था। अभी इस वक्त 2023 के डेटा के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास 2,00,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के हित में खर्च हो ही नहीं रहा है।
ना ही स्कूल बन रहे हैं, ना ही यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, ना ही कोई अकेडमिक चीजें बन रही हैं। 4 जून के बाद और मोदी जी के शपथ के बाद ये बात चर्चा आम पर आ ही जाएगी कि सबसे पहला पिटिशन सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा होगा कि वक्फ बोर्ड पर ताला मारा जाए, क्योंकि मेरा देश भारत संवैधानिक देश है, इस्लामिक देश नहीं है। वक्फ मिनिस्ट्री है, बिल्कुल है, लेकिन वो अरब में है, वो मुस्लिम ममालिक में है, वो मुस्लिम मुल्कों में है जहां पर जहां इस्लामिक कानून चलता है। और अगर डेफिनेटली उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड बहुत सारे वकीलों का फौज खड़ा करेगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि हराम का पैसा कमाया हुआ है तो वो पैसे कहाँ खर्च होंगे, वकीलों पे ही तो खर्च होंगे, मैं जानती हूँ। तो उस पर मेरा दूसरा प्रेयर जरूर होगा कि अगर इस्लामिक कानून को इक्वली संविधान के चलाने के लिए मुसलमान तैयार है, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी बलात्कारियों को, चोर को, चक्कों को, डकैतों को, मोलेस्टेशन करने वाले को, ये सारे मर्डर करने वाले को, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी मिलेगा जो अरब को मिलता है, जो अरब में मिलता है वो यहाँ पर भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर शरिया लॉ हमारे देश में चलेगा, अगर वक्फ बोर्ड हमारे देश में चलेगा, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे देश में चलेगा, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी हमारे देश में चलेगी, अगर जमायतुल उलमाए हिंद हमारे देश में चलेगा, अगर देवबंद और दारुल उलूम हमारे देश में चलेगा, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो बलात्कार करेगा मुसलमान मर्द, उसका औजार काटा जाएगा। जो शादी करेगा वो पहले बताएगा कि वो किस मौजू पर और किस वजह से शादी कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां और 12 निकाह ऐवे ही उठ करके नहीं कर लिया था, उसमें वजूहात था, उसमें रीजन था। उन्होंने बेवा से शादी किया है, उन्होंने यतीम से शादी किया है, उन्होंने मजबूर से शादी किया है, उन्होंने आसरा देने के लिए गरीब लड़कियों से शादी किया है, तो वो वजह बतानी पड़ेगी। जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो अश्लील नजरों से बहनों को देखेगा उसकी आंखें निकाली जाएंगी, जो मोलेस्टेशन करेगा उसको इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाएगा, जो झूठ बोलेगा उसका जुबान काटा जाएगा। तो अगर ये रहेगा, इस्लामिक चीजें रहेंगी, तो इस्लामिक पनिशमेंट भी इंप्लीमेंट होगा। मेरा प्रेयर एकदम साफ सुथरा है और ब्लंट तरीके से है, कोई इफ एंड बट नहीं है, एकदम सही तरीके से मैंने उसको ड्राफ्टिंग की है और खुद बैठ करके और 72 जूनियर्स और 13 सीनियर्स के साथ बैठ करके हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की है। वाह वाह जी, हाँ, तो कोई लूफल बचा ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 जून ये इलेक्शन का खत्म, 7 जून शपथ समारोह खत्म, और उसके बाद 11 जून मेरा पिटिशन फाइल होगा। बहुत खूब, आपने तो बिल्कुल पहले से वार्न कर दिया। ये भुक तो आ रहा है, ये गजब। मेरा पॉलीगेमी हलाला जो बैन करने का है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर सर्वोच्च न्यायपालिका पर चल ही रहा है। 2017 में मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवा ही दिया है। एक मैटर जो है ड्यूरिंग द इलेक्शन ही, क्योंकि मेरी लीगल टीम इतनी स्ट्रांग है कि मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरा एक पिटिशन जो है वो कि मुसलमान बेटियां जो है वो क्लास 12 पास करेंगी तभी निकाह होगा, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट हो चुका था। उसका जजमेंट बहुत अप्रोप्रिएट नहीं आया है, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो अब वो सर्वोच्च न्यायपालिका जाने के लिए वो भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर तो कलकत्ता हाई कोर्ट में तो मैंने क्लास 12 भी डाला था, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा प्रेयर ग्रेजुएशन तक है कि मुसलमान बेटियों को पहले ग्रेजुएट होने दिया जाए, उसके बाद उसका निकाह होगा। तो ये भी एक पिटिशन मेरा रेडी है। बहुत खूब, बहुत। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाज़िया लाई खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज किया, बल्कि वक्फ बोर्ड जिसने कई सारे लोगों की जमीन को हड़पाया और उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और संपत्ति है, उसे भी नाज़िया खान ने एक्सपोज किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे और कुछ दिनों के बाद वो वक्फ बोर्ड पे केस करेंगी। जैसे कि उन्होंने कहा, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम, और जैसे कि हम जानते हैं कि नाज़िया लाई खान जी बहुत एक दमदार वकील है, तो चलिए आशा करते हैं कि नाज़िया खान जी की ये स्टेप कामयाब रहे और उन्हें इंसाफ मिले। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।